आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत कल रात्रि में ही भागलपुर पहुंच चुके थे। मोहन भागवत के भागलपुर पदार्पण होते ही भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसको लेकर भागलपुर जिले के आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मोहन भागवत के भागलपुर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मोहन भागवत शहरवासियों से मुखातिब नहीं हुए। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में 53 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचे और वहां के आश्रम के आचार्य और साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर संवाद किए। उन्होंने सबसे पहले महर्षि मेही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि की, फिर संत मत सत्संग भवन प्रशाल में आकर आश्रम के आचार्य व साधु संतों के साथ संबोधन कार्यक्रम में भाग लिया। उसी दौरान महर्षि मेही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि मेही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट जारी किया। इस फिल्म के बने 5 मिनट के शॉर्ट को भी दिखाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद आज ही वह अपने काफिलों के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान कुप्पा घाट परिसर में आज अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित था। उन्होंने कहा कि महर्षि मेही पर बनी फिल्म काफी रोचक है और इस फिल्म में महर्षि के ही जीवन शैली को दर्शाया गया है, इससे लोगों को जरूर देखना चाहिए। वहीं आगामी चुनाव पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो इसको निभाने के लिए ऐसा जीवन अपने सामने है जिन्होंने ये फिल्म का निर्माण किया है, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, औपचारिकता के नाते नहीं। तो फिल्मों में से अनेक बातें समाज में पहुंचती है, गड़बड़ बातें भी पहुंचती है, अच्छी बातें भी पहुंचती है। तो आपने, मैं समझता हूं कि मुंबई में आपने करियर शुरू किया है, तो नए ही होंगे आप, तो अपने नए मन में एक तरह से अपने करियर का मुहूर्त आपने इतने अच्छे विषय से किया है जो स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं और जिसके समाज में प्रचलित होने से समाज ठीक ठाक बनता है। तो सभी फिल्म वाले इनका अगर अनुकरण करें तो धरती स्वर्ग बन जाए। इसलिए आपको बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। आपके हाथ से समाज के स्वास्थ्य को बनाने वाली ऐसी ही अनेक फिल्में आगे आती रहे और हम लोग देखेंगे। तो वो केवल मनोरंजन के लिए तो है नहीं, ये फिल्म हमने देखी तो कुछ ना कुछ इसमें से हम ग्रहण कर सकते हैं। हम महर्षि मेही महाराज जहां पहुंच गए थे वहां हम पहुंचेंगे कि नहीं नहीं बता सकते, मेरा मैं बता सकता हूं, मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, परंतु मैं वहां नहीं पहुंच सकता लेकिन उस दिशा में 10 कदम चल तो सकता ही। तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में निरंतर उस ओर बढ़ना ये हमारा काम है। देख के कुछ 2 बातें 5 बातें 10 बातें उसमें से ग्रहण करना, वो अपने जीवन में उतारना, अपने स्वभाव का अंग, मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए इसके लिए संत प्रमाण है, ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोध होना और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म कहता है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। धर्म यानी पूजा पाती खान पान नहीं है। तो सृष्टि के, मानवता के, व्यक्ति के, कुटुंब के, सबके जीवन को एक साथ जोड़कर आपस में बिखरने न देते हुए ऊपर उठाकर चलाने वाला जो तत्व है उसको धर्म कहते हैं। और अपने ऐसा कहा है कि धर्म से तत्व निहितम द्वाया, श्रुति अनेक है, स्मृति अनेक है और कोई एक प्रमाण नहीं है, ग्रंथों में देखा जाए वो अलग अलग है,
इसलिए मनुष्य भ्रमित हो सकता है, क्योंकि धर्म का तत्व अत्यंत गुप्त है और इससे सामान्य दुनिया बड़े लोग जैसा चलते हैं वैसे चलती है। तो ये बड़े लोग कौन है जो धर्म के तत्व को नित्य अनुभूत करके चलते, क्योंकि धर्म सत्य पर आधारित है, वो सत्य जिनमें प्रकाशमान है, सत्य के निरंतर संपर्क में रहते हैं, वो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।